तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट हैंडलिंग। हम सीट को कैसे हैंडल करते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले क्लासेस में हमने आपको वर्कबुक को कैसे हैंडल करते हैं ये चीजें हमने समझाया था, और आशा है कि आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की सेशन में हम बात करेंगे कि सीट को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमारे सामने आपके सामने सीट्स दिख रहा है, तो शीट्स के दो नेम होते हैं, एक होता है उसका कैप्शन नेम, दूसरा होता है उसका प्रॉपर्टी नेम। कैप्शन नेम कौन सा होता है, मान लीजिए शीट 3 को मैंने यहां जैन कर दिया, एक कैप्शन नेम हुआ, और यहां जो आप इसकी प्रॉपर्टी बार में जो शीट 1 दिख रहा है, शीट 2, शीट 3, इसको प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। तो कैसे कॉल करें, मान लीजिए मुझे शीट मानेंगे शीट 1 पे जाना है, तो मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं शीट्स और उसका कैप्शन नेम शीट 1 डॉट सेलेक्ट, या शीट 2 डॉट सेलेक्ट उसका प्रॉपर्टी नेम, या शीट्स 1 उसका सीक्वेंस मतलब इंडेक्स नंबर। तीनों को समझते हैं 1 by 1। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी नेम है, जैसे कि मान लो जैन पे जाना है तो मुझे यहां पे जैन लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि सीट का नेम जो है जैन है। दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे जैन की प्रॉपर्टी क्या है, सीट 3 है, तो हमें यहाँ पे सीट 3 लिखना पड़ेगा। और तीसरा हम यहाँ पे सीट 3 देंगे। 3 क्यों देंगे, क्योंकि इसका सिक्वेंस है कि 1 2 3, तो तीसरा नंबर शीट यहाँ पे हमने 3 दिया। ओके, होता है वो होता है एक्टिव सीट। जो सीट एक्टिवेट है वो एक्टिव सीट। अब इसका किस किस सिचुएशन में यूज करेंगे, अब जैसे कि मान लीजिए कि कैप्शन नेम का चेंज यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कल के डेट में अगर हमने यहाँ जैन के जगह फैग कर दिया, या फिर यूजर ने फैग कर दिया, तो हमें कोड में भी फैग करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा कोड वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपकी सीट फिक्स है, बस वो बार बार रिनेम होती रहती है, नाम फिक्स नहीं है बट सीट फिक्स है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, समझे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर सीट फायर, अब जैसे कि नाम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं, हम तो उसकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का नेम चेंज करने के लिए उसको VVA का एक्सेस चाहिए होगा, मतलब कि प्रोग्रामर ही चेंज करेगा, अदरवाइज कोई और चेंज नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर आपकी नेम फिक्स है, जैसे कि मान लीजिए रिपोर्ट या डेटा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम पहले जो सीट पहले से एग्जिस्ट है उसको हम डिलीट और फिर एक नया सीट ऐड करते हैं, उसका नाम डेटा रखते हैं। इस सिचुएशन में हम प्रॉपर्टी नेम को यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी नेम को यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही सीट डिलीट हुआ प्रॉपर्टी नेम भी डिलीट हो गया, जो नया सीट ऐड हुआ उसका प्रॉपर्टी नेम सीट 4 है। उस सिचुएशन में हम कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, इनवर्टेड कॉमा में नाम लिखेंगे, मैं इससे पहले इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, मैं माफी चाहूंगा। ओके, तो इसका यूज हम करेंगे उस सिचुएशन में। तीसरा, हम इसका यूज कब करते हैं, जब हमें पता ही नहीं कि उसका कैप्शन नेम क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी नेम क्या हो सकता है, हमें नहीं पता, बट पहली शीट उठानी है, दूसरी शीट उठानी है, ये सारी शीटें उठानी है, तो हम नंबर से चलते हैं कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, अगर 5 है तो 5 तक नंबर जाएगा और 5 शीट पर हम चले जाएंगे। उस केस में इसका इस्तेमाल एक्टिव शीट के बारे में पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, जो शीट एक्टिवेट है उसको यूज करने के लिए इसका हम। अभिषेक जी एंड ललित जी, कॉलिंग मेथड में कोई दिक्कत, जैसे कि आपने देखा ना कि वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक हमने बाकी जितने भी मेंबर्स लगाए थे उन्हीं दो पे लगाए थे, तो सीट से लेकर जितने भी मेंबर्स हैं इन चारों पे लगेंगे, एक्ट है उस पे। तो क्या क्या काम हम सीट पे कर सकते हैं, चलिए हम उसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमने
वर्कबुक में चेक किया था, जैसे कि सीट को ऐड करना, तो सीट्स डॉट ऐड, नई सीट ऐड करेगा, लेकिन नई सीट कहां ऐड करेगा, जो सीट एक्टिव है उससे पहले। देखिए मुझे डेटा सीट के बाद ऐड करना, तो जैसे ही आप यहां पे स्पेस देंगे नीचे बिफोर और आफ्टर आ जाए, बिफोर में करना है तो यहीं पे डाल दीजिए, आफ्टर में करना है तो कॉमा डालिए, बिफोर को स्किप कीजिए और आफ्टर में डालिए, क्या डालें, उस जिस सीट के बाद सेव करना है उस सीट का नाम, लेकिन ये आपकी कॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे कि शीट्स और हमने उस सीट के बाद ऐड, लेकिन मुझे सीट का नेम नहीं पता, काउंट पता है कि तीन सीट है, तो हम इसके जगह पे थ्री कर देंगे, लेकिन मुझे हमेशा सबसे लास्ट में ऐड करना है, चलो तो अभी तो लास्ट में ऐड हो जाएगा क्योंकि मेरे पास थ्री शीट्स है, कल के डेट में ज्यादा हुआ तो बढ़ा घटा, तो ये थ्री के जगह पे हम एक प्रॉपर्टी ले लेंगे शीट्स डॉट काउंट, कि इसके अंदर जितने भी शीट्स है उसको काउंट कर दो, तो सीट ऐड करना सीख गया सर। यस सर। इसमें एक चीज और है काउंट में, काउंट अभी क्या है कि एक बार में एक ही सीट ऐड होगा, लेकिन मुझे फाइव सीट ऐड करने हैं तो मैं काउंट में फाइव दे दूंगा, ये आपका फाइव सीट ऐड करेगा वन टाइम, सीट का नंबर दूंगा उतना सीट ऐड करेगा, तो सीट ऐड करना सीख गया। नहीं जाहिर सी बात है कि सीट जैसे हमने ऐड किया और वो सीट्स को मुझे रिनेम करना है, रिनेम करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव sheets dot name equal to data, जो भी देना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों किया कि जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिवेट हुई है, जाहिर सी बात है कि जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिवेट हुई है, इसलिए, लेकिन मुझे सीट को ऐड करना है नेम भी देना है, जैसे हमने फाइल में किया था सेम चीज यहां पे हम कर देंगे, सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू जो नाम देना चाहते हो हम नाम दे, ओके डाउट इसमें नहीं, थोड़ा क्लियर है, सीख गया, सीट को रिनेम करना सीख गया, कुछ पूछा था सर क्या? नहीं नहीं सर क्लियर है, सीट को ऐड करना सीख गया, सीट को रिनेम करना सीख गया, अब बात आती है सीट को डिलीट करना, तो मान लीजिए मुझे अगर सीट वन को डिलीट करना है, अब कॉलिंग मेथड जो है आप अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा, मैं यहाँ तो कुछ भी ले रहा हूँ, बट आप जो है जैसे मैं बताया था उसी हिसाब से लीजिएगा, अब मैंने सीट डॉट वन डॉट डिलीट कर दिया, डिलीट तो करेगा लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे ही कोड रन होगा तो ये माइक्रो रुक जाएगा, जब तक आप मैं डिलीट पर क्लिक नहीं करूंगा तब तक इससे नीचे के जो लाइंस हैं वो लाइन परफॉर्म नहीं करेगी, मैं चाहता हूं कि पॉपअप ना आए क्योंकि इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि नीचे और भी बहुत सारे लाइंस मैंने लिखे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में यहां लिखेंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, माफ कीजिएगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, इससे क्या होगा कि अलर्ट जो सिस्टम का जो अलर्ट सिस्टम है वो यहां से इसको स्किप कर देगा, ठीक है, तो डिलीट का कोड लगाते समय इसका ध्यान आप रखेंगे, तो यहां हमने क्या किया एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज, हमने बताया था ना चार ऑब्जेक्ट होते हैं एप्लीकेशन वर्कबुक सीट एंड रेंज, तो हमने वर्कबुक को पढ़ा सीट को पढ़ा, एप्लीकेशन को ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि जब सेटिंग चेंज करना होता है तो इसका यूज करते हैं। अब हम मान लीजिए कि सीट को मूव करना है, जैसे मान लीजिए कि डेटा है, मुझे इस डेटा को मूव करना है एक नई फाइल पे ताकि मैं मेल कर सकूं,
तो यहां हम लिखेंगे जैसे सीट वन है तो सीट वन डॉट मूव, इतना करके छोड़ दिया तो इसको क्या करेगा राइट क्लिक मूव और यहां पे वो न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करके मूव कर देगा। तो मूव होगा वो फाइल एक्टिवेट होगा, उसको सेव करना है तो आप यहां पे लिखिए एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज और यहां पे आप दे दीजिए इन्वर्टेड कॉमा में पाथ और इसका फाइल नेम और इसका एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन मुझे मूव करना है अपने इसी वजह सीट वन को उठा के मुझे सबसे लास्ट में रखना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लिखेंगे कि सीट वन डॉट मूव और मूव में हम बताएंगे बिफोर आफ्टर, हमने बोला आफ्टर सीट्स और यहां पे सीट डॉट काउंट लास्ट में करना है इसलिए, वरना कोई और सीट का नेम है तो दे दीजिए। ये तो हुआ एक्टिव सीट, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक ओपन सीट है मान लीजिए बुक टू और मुझे इस सीट को बुक टू में मूव करना है और बुक टू आपका मान लीजिए ओपन है, अगर बुक टू आपका ओपन नहीं है तो फिर ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करने का कोड यहाँ पे डाल दीजिए मूव से पहले। तो अगर किसी और फाइल में मूव करना है तो यहाँ पे उस फाइल का नाम होगा कि वर्क बुक्स और बुक का नाम जैसे एक्सटेंशन डॉट शीट्स देना, एक पर्टिकुलर फाइल में मूव होगा। तो फाइल मूव सीट को मूव करना आ गया नई फाइल में, एग्जिस्टिंग करेंट फाइल में और किसी अनोदर फाइल में। ललित जी क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर क्लियर है, क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे मान लीजिए कॉपी करना है तो कॉपी करने का भी सेम प्रोसीजर है जो कि मूव करने का है, बस आप मूव के जगह पे यहां कॉपी दे, ये सब कुछ सेम। जैसे कि हम लोग किसी सीट को मूव करते हैं ना, मूव करते हैं तो मूव एंड कॉपी में क्रिएट कॉपी पे क्लिक करते हैं ना, तो सेम दोनों का सेम ऑप्शन, तो कॉपी करना भी आप सीखते हैं। अब बात करते हैं सीट को हाइड करना, मान लीजिए किसी सीट को राइट क्लिक करके आपने हाइड कर दिया, फिर वापस इसको अनक्लिक करके अनहाइड कर, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि sheet to dot visual equal to, हमने यहाँ पे sheet hidden कर दिया, sheet hidden कर दीजिएगा तो hide हो जाएगा और sheet to dot visual equal to sheet visual कर दीजिएगा तो unhide हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आपने कर दिया sheet to dot visual इक्वल टू वेरी हिडन, तो क्या हुआ कि अगर आपने इस कोड को रन किया तो कोई भी जैसे कि जो ऐसे यहां से हाइड होता है नॉर्मली हाइड होगा तो बिना कोड के भी कोई इसको अनहाइड कर सकता है, लेकिन अगर हाइड में मैंने वेरी हिडन किया, अनहाइड में अगर मैंने वेरी हिडन कर दिया तो क्या होगा, तो उस केस में आपका ए हाइड होने के बाद यहां से अनहाइड नहीं होगा, उसको अनहाइड करने के लिए हमें कोड ही रन करना पड़ेगा या उसकी बीवीएम प्रॉपर्टी में आके यहां से उसको विजुअल करना होगा, इन दोनों के लिए उसको बीवीएम का एक्सेस चाहिए होगा। अगर आपने बीवीएम में पासवर्ड डाल दिया, अब पासवर्ड कैसे डालेंगे, आप चाहते हैं कि मेरे इस फाइल का कोड कोई भी थर्ड पर्सन ना देख पाए, तो आप यहाँ टूल्स में आएंगे, यहां आएंगे VVM प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में प्रोटेक्शन में और यहां पे लॉक करके पासवर्ड डाल, तो बिना पासवर्ड की कोई भी कोड एक्सेस नहीं कर पाए। ओके ओके सर, तो हाइड अनहाइड करना आ गया सर। चलिए हम बात करते हैं सीट में
पासवर्ड लगाने के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा सीट वन डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट के बाद यहां पासवर्ड डाल देते, तो सीट प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, वापस यहां आप यहां से भी अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन पासवर्ड रिक्वायर होगा, या आप यहां लिख सकते हैं सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट। जैसे कि आपने यहां स्पेस मारा तो बहुत सारी चीजें थी, क्या था, अब चलिए इस पे भी एक नजर मारते हैं। जब आप सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट करते समय आपके पास यहां बहुत सारे चेक बॉक्स आते हैं। ये क्या है, ये अलाउंस है कि आफ्टर दी प्रोटेक्शन यूजर इतने काम कर सकता है। जैसे हमने फॉर्मेट सेल करके ओके, पासवर्ड लगा के ओके कर दिया, तो पासवर्ड के बाद में कोई चेंज बट विल डू द फॉर्मेट, समझ गए। तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें डेटा में शॉर्टिंग अलाउ करनी, जो डेटा है हमारा सीट वन का, इसमें शॉर्टिंग अलाउ करनी है, तो यहां पे देखिए, यहां पे आप कॉमा कॉमा करके चले जाइए शॉर्टिंग और ट्रू कर। देखिए इसका एक और तरीका है, जैसे कि जो भी अभी सिर्फ प्रोटेक्ट की बात ना करे, किसी पर किसी भी तरह के अगर आपको अप्लाई करना है ना, जैसे मुझे अलाउ शॉर्टिंग अप्लाई करना है, तो आपको इस तरह से देना होगा कि पासवर्ड जितने भी सारे देने पड़ेंगे आपको, कॉमा, फिर ये सारे बाकी कॉमा डिलीट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, बोल हो गया ना, ऐसे लगाते हैं कॉलन एंड इक्वल लगाते हैं, बोल हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, सबको में होता है, सेव एज हुआ या भी प्रोटेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइल को प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट करना सीख गए। सर इसमें एक चीज थी, जैसे आपने कॉमा किया ना, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, अगर सारे ही अलाउ करने हैं तो सारे ट्रू करने, मुझे वो लिखना पड़ेगा, मतलब मैं लिख दीजिए या फिर ट्रू सारे अप्लाई, अगर सारे अप्लाई करने हैं आपको, मान लीजिए पांच छह कुछ अप्लाई करने हैं, तो जैसे कि आपने प्रोटेक्ट कर दिया, मुझे मान लीजिए आप जिस, देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीजें है कि अगर आपने प्रोटेक्ट कर दिया जिसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या है कि चेक बॉक्स क्या है, तो अगर एक्सेल में जो ऑप्शन चेक बॉक्स में है वो VVM ट्रू एंड फॉल्स में होता है, इस पे क्लिक करना है तो ट्रू, अनक्लिक करना है तो फॉल्स, समझ गए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमने सॉरी यहां पे जिसको इसको पासवर्ड डाल दिया हमने, उसके बाद ड्रॉइन ट्रू करना है तो ट्रू, और कंटेन करना है तो ट्रू, नहीं करना है तो स्किप कर दीजिए या फिर फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। ओके ठीक 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 है, और हमने सीट को सेलेक्ट प्रोटेक्ट करना, हाइड एंड हाइड करना सीख लिया, राइट। अब क्या कि मैं सीट का टैब कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, सीट वन डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो चीजें आपने की है सिंगल सीट पे वर्क हो रहा है, मुझे मल्टीपल सीट को सिलेक्ट करना है, मतलब कि मैं एक साथ हम लोग दो तीन सीट कंट्रोल सिलेक्ट करना है ना ग्रुप में, वो कैसे करें, तो उसके लिए आपको यहां कोड लिखना पड़ेगा, देख लीजिए, सीट्स, सीट्स में यहां देना होगा एरे
और एरे के अंदर में इन्वर्टेड कॉमा में आप अपने सीट का कैप्शन नेम दे दिए। याद रखिएगा कैप्शन नेम ही चलता है। डॉट सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, जो करना चाहिए कर सकते हैं एक साथ कई सारे सीट। क्लियर है? डाउट आप लोगों को सर? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अलिन जी एंड अभिषेक जी, समझ में आ गया? क्लियर है सर। हाँ सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। तो सीट पे जनरली इतना ही काम करते हैं ना। या कुछ और करते हैं हेड मार्क में? हाँ सर, उतना ही करते हैं। बाकी तो इसी में थोड़ा बहुत जो भी अगर कुछ है भी तो वो इसी में मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं आगे। जैसे कि अच्छा माले और भी चीजें, पिवट लगाना, फिल्टर लगाना, ये सब सीट पे नहीं होता, इस पे तो रेंज पे होता है ना, बट सीट का ही डिफरेंस देना पड़ता है, वो तो हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल जनरली तो इतना ही करते हैं ना। हाँ जी सर। यस सर। तो ठीक है, तो हमने सीट के रेफरेंस को भी कवर कर दिया। अब इन सारे कोड को वन बाय वन बाय वन रन कीजिए, और कल जैसे हमने आपको फाइल का जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था ना, ऐसे कल हम शीट पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले, उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको, मैं उस मैक्रो बनाने से पहले इस सारे कोड को एक बार खुद से रन करके देख लीजिए, किसी तरह का डाउट है वो देख लीजिए, इसमें छोटे मोटे चेंजिंग करके देख लीजिए। जैसे कि मैं लास्ट फ्राइडे क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा, थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करके भी देख लें। ओके सर, और कोई छोटी मोटी डाउट हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। राइट, ठीक है सर।